मतगणना के दूसरे दिन छिंदवाड़ा दौरे पर आए पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने आज बैठक में कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देते हुए कहा कि मेरा और आपका 45 सालों का पारिवारिक संबंध है और यह संबंध हमेशा बना रहेगा। नतीजे चाहे जो भी रहे, हमारे संबंध हमेशा बने रहेंगे। हम हार के कारणों की समीक्षा करेंगे और छिंदवाड़ा में कांग्रेस को नई ऊंचाई पर ले जाएंगे। कांग्रेस प्रत्याशी नकुल नाथ ने भी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देते हुए कहा कि छिंदवाड़ा के इतिहास में आप लोगों ने ऐसा चुनाव कभी नहीं देखा होगा और यह तो केवल एक पद है, हमारे आपका तो 45 साल का रिश्ता है और मैं हमेशा कहता हूं कि यह राजनीतिक रिश्ता नहीं है, यह पारिवारिक रिश्ता है। नतीजा कुछ भी आए, हम नतीजे का एनालिस करेंगे। पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए कमलनाथ ने कहा कि केवल एक सीट की बात नहीं, इतनी लंबी हार हुई है यह सोचने की बात है, परंतु देश में हमारे अच्छे परिणाम आए हैं। मोदी जी कहते हैं 300 पार 400 पार उनकी केवल 240 सीटें आई है और हमारे गठबंधन की अच्छी सीटें आई है। अब यहां आने वाली राजनीति को एक नई दिशा देगी। इंडिया गठबंधन द्वारा सरकार बनाने के सवाल पर उन्होंने कहा अभी तो इनका गठबंधन है, गठबंधन से यदि कोई हटता है तो फिर सोचा जाएगा। इसमें पूरी हम समीक्षा करेंगे कि केवल एक सीट की बात नहीं है, कितनी लंबी हार हुई है ये भी एक सोचने की बात है। पर देश में हमारा गठबंधन क्या अच्छा परिणाम आए, जो मोदी जी कहते थे 300 पार 400 पार तो 240 पार आए और हमारे गठबंधन की अच्छी सीटें आई हैं। अब ये अगली आने वाले समय की राजनीति को एक नया मोड़ देगी। छिंदवाड़ा से बीसी न्यूज़ के लिए शेखर राजपूत की रिपोर्ट।